देखिए दलजीत एसके ने जो कवरेज क्षेत्र लेके रखी है, जो पोजीशन उन्होंने होल्ड करी है, उन्हें और भी ज्यादा फिनिशेस मिल सकते हैं इस वक्त। अनुज वो आगे की तरफ जाते हैं, शायद फिनिशेस लेना चाहते थे, कनेक्शन बनाएगा, बट जैसे अनुज वो नॉक हुए इस वक्त, दलजीत के पास ये पूरी जिम्मेदारी आती है कि वो अपने टीममेट को रिवाइवल देंगे, ये सामने की टीम का सफाया करेंगे एक ग्रेनेड, और उसके बाद शायद वो अपने टीममेट को रिवाइवल देने के लिए बैक एंड चले जाएं, और ड्रीम्स उनका सफाया किया गया यहां से। अभी वो अकेले एकमात्र खिलाड़ी बचे थे, उनको भी एलिमिनेट किया गया, और यहां से आप देखिए स्पाई ओपी वो अकेले एकमात्र खिलाड़ी बचे हैं जो यहां से इतनी बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए अभी तक नजर आते हैं। अब देखिए जैक्स वो खुले क्षेत्र में जाते थे और शायद उसी खुले क्षेत्र में रहने की वजह से उनका सफाया किया गया, और जहां से आप देखिए दलजीत पहला फिनिश उन्हें भी मिला, और अनुज उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक सुनहरा अवसर, और उसी सुनहरे अवसर का वो मौका उठा सकते हैं। स्पाई ओपी के सामने दलजीत एक नाम ही काफी है, और उस नाम का कितना फायदा उठा पाएंगे वो देखने की बात है। इस वक्त स्पाई ओपी अपनी पोजीशन होल्ड करते बैठे हुए थे, दलजीत वो कन्वर्ट होते थे यहां पर फिनिश लेने के लिए, वो आगे तरफ जाते हैं, देखिए आप किस प्रकार से अनुज वो नॉक हुआ दलजीत के पास, एक अपॉर्चुनिटी यहां से स्पाई, यहां से वो कनेक्शन बनाए गए एक के बाद एक, यहां से वो फिनिश, वो डीवीएस का शॉट, और एक विनर चिकन डिनर लेके जाते हुए टीम इनसेन यहां से वो साबित करती हुई नजर आती है कि इस वक्त वो इनसेन गेम प्ले सिर्फ टीम इनसेन ही लेकर जाएगी।